Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अब भाई शाम को ना आपने बड़ा चंगा सा तैयार होके आना अफ्तारी पे। क्यों भाई आज को खास गल है? मैं ना आपकी खुशी मना रही हूँ। ओ मेरी तो बस अब एक ही खुशी रह गई है। बस मैंने सोचा मैं खुशी मना रही हूँ। आपने कौन सा हमेशा रहना है? उदास उदास रहते ना आप हमेशा। तू मेरी वो खुशी मना रही है? जी बिल्कुल अबाजी। हाँ मैं तो समझा था कि तुझे इतराज होगा। ले मैनू कदा इतराज होना? हाय मैं आपकी दुश्मन थोड़ी हूँ। वो दुश्मन भी अपने होते हैं, पर पुत्र तू इतराज ना करके ना वो मेरा दिल खुश कर दिया। बस से फिर ठीक है, शाम को अपने टिशन टाट से तैयार हो गए जाना, आ जाना अफ्तारी। तू बेफिक्र हो जा, आज ना मैं अपनी ना शादी वाली शेरवानी निकाल लूंगा। तो बड़ा मेरा अरमान था कि ये टाइम एक दफा फिर आए। उम्र वेखो ते अरमान वेखो। अब भाई बस आपने तो चंगे ही बड़े लग जाना उस शेरवानी में। ठीक है मैं चलती हूँ। किधर जा रही हो? भाई सौ तरह के काम होते हैं, संवारने जा रही। तो उसको भी जरा चंगी तरह तैयार करना। सारू ने तैयार शहर होना है, मैं आप ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ। वापसी में फूल लेके आना। हाँ हाँ फूल लार भी लाऊंगी, सारा ही कार से जाना है। सारा कार से जाने की फिक्र है? तो बोटी का कमरा सजाने की फिक्र नहीं है। दादा यार ये दादाजी कोई उम्र है सालगिरह मनाने की? इतनी मुश्किल में डाल दिया हमें यार। अब बताओ ना अब दादा को क्या गिफ्ट दे? अबे बात सुन लो। हाँ। नीली के गले में बांधने के लिए घंटी दे देते। अब्बा सालगिरह नीली की नहीं है, दादा जान की सालगिरह है। और वैसे भी हमें उनको कोई महंगा गिफ्ट देना है ताकि हम अमीर लगे अमीर। अबे बात सुन, इसका दादा तो कोई पहलवान है ना। हाँ। तो फिर ऐसा करते उसे को भागने वाली मशीन दे देते। वेरी गुड यार, क्या आइडिया है। बस डन हो गया ये ना, हम मशीन दे रहे। अच्छा अब ये बताओ मशीन लेने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अबे तुझे पैसे दिए ना रीमा को तोहफा देने के लिए, उसमें से कोई मशीन ले आया तो बस। अब्बा तुमने मुझे 2000 रुपए दिया और 2000 से सिर्फ डोर बेल आएगी? बिंदी भेज दे। क्या कह रहे हो अब्बा, वो आपस में इतना प्यार नहीं करते जितना नीली से करते हैं। अगर तुमने नीली के ऊपर बुरी नजर डाली तो तुम्हें भेज देंगे। मेरे पास और पैसे नहीं है। तो भाई पैसों की जुगाड़ तो करनी पड़ेगी। देख बे पैसे जो है ये दरख्तों पे नहीं लगते। शुक्र है अल्लाह का कि नहीं उगते, वरना इनकी गायें भैंसे बकरियां दरख्त से तोड़ तोड़ के सारे पैसे खा जाते। अबे बात सुन, बड़ा सीरियस मसला है ये। अबे इसमें कॉमेडी ना कर, संजीदा हो जा संजीदा। चल जल्दी संजीदा हो जा। गिफ्ट करें कैसे? अबे तो कितनी देर में? लेकिन आप अब सोच क्या रहे हो? अबे सोचना क्या है बहने, गिफ्ट के बारे में नहीं सोचना, वो तो देंगे हम मशीन। अब ये सोचो कि पैसों का जुगाड़ कैसे हो। सोचो। और रीमा पुत्र ए रीमा। दादाजी दादाजी मेरे बच्चे तुमने तो त्राही निकाल दिया। वो इतना तेज भाग के आती हो और पीछे से तुम्हें कोई गलेल में डाल के छोड़ता है। दादाजी हैप्पी बर्थडे टू यू। वो मेरे बच्चिया मेरी ये ती रानी है, और तू मेरी सबसे चंगी ती रानी है, तू दादा का ख्याल रखती है। सो तो है दादाजी, कोई काम था आपको मुझसे? समझ गई है। तो पुत्र बात यह है कि मैंने अपना कमरा सजवाना है। पुत्र तू जाके मेरा कमरा सजा दे और मेरे बहुत सोने कपड़े निकाल जो तुझको पसंद हो। दादाजी कपड़े तो मैं निकाल लूंगी, लेकिन कमरा सजाने की क्या जरूरत है, ड्राइंग रूम सजा तो रहे। तो पुत्र कराची वाले आए हुए हैं, वो क्या सोचेंगे कि हम अपना कमरा भी नहीं सजा सकते। जा मेरा पुत्र काम से लग जा। चले ठीक है दादाजी, मैं जो उन्हें सारी सजावट कर दूंगी, मैं चलूं अब। पुत्र बोले आने हैं, रिबन लाने हैं, रंगीन झंडिया लानी है। फिर तो दादाजी मैं अपनी मोटर बाइक पे जाके ना फूल जरा झंडिया छंडिया रिबन ले आऊंगी, जरा हम जो ना चमकीला सा कमरा सजाते हैं, बड़ा मजे का लगेगा। ना 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 पुत्र ना, मैं खुद जाऊंगा, एक तो मैं चक्कर लगा लूंगा, दूसरा मैं सारी चीजें लेके आऊंगा और फिर तुमने सजानी है। ठीक है? ठीक है दादाजी। ओए हले ते मैं खा रहा सीगा, ले वो तो चाकू ही लेगी। चल आज ना अच्छी अफ्तारी बनाना।
जाहिर है दादाजी की बर्थडे है। हाँ लेकिन मुझे सामान कम लग रहा है। क्यों, रोज इतना ही तो बनता है। लेकिन आज गेस्ट भी तो होंगे। अच्छा, मुझे तो नहीं किसी ने कहा कि सामान बढ़ाऊं। मैं कह रही हूँ ना, और मैं हेल्प भी करा दूंगी। स्वीट, तुम्हें सबकी फैमिली से काफी डिफरेंट हो ना, इसीलिए मैं अपनी फेवरेट हूँ। अच्छा बताओ, मैं पकौड़ों के लिए बेसन फेंक दूँ? हाँ, 4 कप ले आओ। 4? नहीं नहीं, आज तो 10 कप लेने होंगे। 10 कप पकौड़े बेचने हैं क्या? लो, ये लोग ऐसे थोड़ी की दुकान लगाएंगे, बात करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। अच्छा चलो फिर 5-6 कप ले लो। अरे नहीं नहीं नहीं, आंटी सूर्या ने खुद मुझे इतनी लंबी लिस्ट दिखाई है गेस्ट की, मैं बता रही हूँ डांट पड़ जाएगी। चलो फिर तुम्हारी मर्जी है, बाद में मुझे ना कहना। ठीक है, बेसन बताओ क्या है? वो पड़ा है बेसन। मुझे हाल है कि इस हाल में मेरे को बात सुनने नहीं, एक मतलब मन दुनिया का रह गया उसी। वो ना आंटी जी, वो आप ही आप क्या कर रही हैं? बस अल्लाह तो याद कर रही थी, सवाब मिल जाता है ना। वैसे तुम किस निकम्मे की बात कर रही हो? वो मैं वो जो है ना पेजा, पेजे की बात कर रही थी। पैड़ी शक्ल पता नहीं कहाँ चला गया, कार को सजाने के लिए ना सामान लेने के लिए उसको भेजा था, वो आया ही नहीं अभी तक। ये बड़ी अच्छी बात है तुम लोगों की, अपने दादाजी को इतना ख्याल रखती हो। हाँ आंटी जी, और क्या करे, करना पड़ता है ना, आखिर बिल का सवाल है। बिल? बिल नहीं, दिल। वो आपके कानों का ना गलत सुनाई दे रहा है। वो मेरा कहने का मतलब ये था, दादाजी हमारा इतना ख्याल रखते, हमारा खुद दिल करता है उनका ख्याल रखने का। किधर मर गया है? कौन मर गया? वो दादी का दिल मर गया था ना, दादी मरहुमा का, तो फिर वो दादा जीप से हो गए थे। हेलो, ये क्या बात हुई? हमारी अम्मा जान तो हमारे ससुर के बाद अभी तक जिंदा दिल फिर रही है। उनका पता कराए, उनका किसी के साथ चक्कर चल रहा होगा। ओए होए, सारा घर लग के देख लिया और आप यहाँ पर हैं। आपके मैं हुक्म के ऑर्डर के मुताबिक सारा सामान लेकर आ गया हूँ। हाँ, मैंने दोजख में जाना है मेरे सरताज को, मैं कौन होती हुक्म देने वाली है, मैंने मरना है। आप क्या बातें कर रहे हैं, लाए मुझे दे दे सारा सामान। नहीं, आपने खुद ही तो कहा था कि फौरन जाओ, फौरन आओ। मैं इतना भाग भाग के गया हूँ, मैं साफ साफ आऊँ, मुझे तो रोजा भी लग रहा है। हाँ ए, रोजा लगे आपके दुश्मनों को, आप मेरे सरताज है। मैंने कब कहा था आपको कि सामान लेकर आए? वो तो आपका खुद दिल चाह रहा था दादाजी की खिदमत करने को, तो इसलिए आपने कहा था। आपकी ये दाश्त और आपकी तबीयत तो क्या है ना? हाँ, तबीयत को तो गोली मारे और ये दाश्त को भी। वो देखे गुलदस्ता बैठा हुआ है, कौन है, इनको सलाम करे आप। सलाम अलैकुम। अच्छा 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 अच्छा, अजमा ना बहुत थक गया हूँ, चल चल जरा जूते उतार। हाँ उतार दे मेरे जूते, जूते उतार मेरे। जो हुक्म सरताज। अरे अभी अरे चलो आप नहीं आओ तो शेती शेती हाथों में ताकत नहीं है। होली बोले, मुझे बड़ा डर लगता है सरताज। अरे वाह भी अंजुमन, तुम तो लुकमान का बड़ा ख्याल रखती हो। आंटी जी मैं क्या बताऊं, दिल ही बड़ा करता है मेरा। अरे शेती, अच्छा भी मैं तो चलती हूँ। नहीं 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 नहीं, बैठे 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 बैठे, आप 2-3 घंटे की बातें सुनाई से, बैठे बैठे बैठे, चलो बात चलो। अब पंजे कुटो, पंजे। लकमान लकमान, ओए लकमान। आह नीमा जी, आप ओए आप कहां थे, हम तो आपको कब से ढूंढ रहे थे। ओ जी, अब ये तलाश समझो कि खत्म ही होने वाली है, चंद घंटों की तो बात रह गई है। वैसे क्यों ढूंढ रहे थे मेरे हजूर? अरे आपको मुबारक बात देनी थी ना। आपको भी मुबारक हो। मुबारक। ये क्या सीन पारट हो रहा है, चुप चुप खड़े हो, जरूर कोई बात है। पहली मुलाकात है जी, पहली मुलाकात है। एक तो जमाने को आजकल के लड़के लड़कियों के जज्बात का ख्याल ही नहीं है। खाला जी आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या? इसको छोड़,
तुम ये बता कि तुम किधर जा रही है। मैं ना टिप टॉप होने के लिए पार्लर जा रही हूँ। शाबाश, कल्ली जा रही है, शर्म नहीं आती? हाय, मैं कहना नरगिस का डांस देखने जा रही हूँ जो शर्माऊ। बहुत अच्छे, आगे से कुर जवाब देती हो, और इसको भी साथ लेके जाओ और टिप टॉप करा के ले आओ। हैं? ये दिल नहीं करता कि ये शमसी साहब अभी सबसे हसीन नजर आए। नीमा जी, मेरा दिल कर रहा है कि आज आप बिल्कुल शम्मी कपूर जैसे लगना चाहिए। हाँ, बस कह दिया मैंने। सद के जाऊं, देखा, वो चाह रही है कि मैं शम्मी कपूर लगूं, और मैं ये चाह रहा हूँ कि ये मीना कमियारी लगे। लेके जाओ। आए मीना कमियारी जी, आपके मुंह पर तो काम ही बड़ा है, बड़ी डेंटिंग पेंटिंग करानी पड़ेगी। आए, आपको प्लास्टर लगवा के लेकर आऊं। चले। बेबूजी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, आप ले जाएं। अबे बहुत बुरी केलियां ले आए, अल्लाह करे बिक जाए, मगर रौनक लग गई स्टॉल पे, रौनक लग गई। या अल्लाह, अच्छे अच्छे ग्राहक भेजना। यार अब्बा, क्या मुसीबत है यार, लाहौर आके भी कराची वाले काम करने पड़ रहे हैं। अबे और क्या, कराची में तो तेरी अम्मा ठंडे पकौड़े खिलाती थी हमें, बासी अपने जैसे। अबे या तो पेजा इतनी अच्छी इफ्तारी बना रहा, हाथों हाथ बिक जाएगी, हाथों हाथ। ये बात तो यार, कल भी मुर्गी खिलाई थी उसने, ऐसी चाय किस्म की मुर्गी थी, बड़ा मजा आया मेरे को। चलो चल, शुरू हो जा। अभी टीम बिल्कुल नहीं है, काम स्टार्ट करते। ग्राहक आ रहे तो देखना अब्बा, मैं अभी नारे मारने शुरू करूंगा। चल, मारूंगा, मेरी आवाज में एक हजार सब लोग ऐसे लपक के आएंगे। जल्दी भेज दो शुरू करते, लेकिन रुको, बेचने से पहले दुआ तो कर ले। चल दुआ कर ला भाई, फिर दुआ कर ले। अबे ये कैसी दुआ करा रहा तू? अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह मियां, ये जो हम पकोड़े समोसे बेच रहे हैं, जल्दी जल्दी बिक जाए। या अल्लाह, में जो इस अफ्तारी को खाए उसका पेट ना दुखे। अबे अनहोनी दुआएं मांगनी शुरू हो गया। आमीन बोलो बस। आमीन। अल्लाह ताला, मेरे मालिक, पाकिस्तान में जो लोग जितने भी रोजे रख रहे हैं वो कबूल फरमा। आमीन। या अल्लाह मियां, पाकिस्तान को आफतों से बचा। आमीन। या अल्लाह, ये जो ड्रामा हम बना रहे थे कामयाब फरमा। आमीन। इसे रिटेकों से भी बचा। आमीन। अब हाथ तो छोड़। सुम आमीन, सुम आमीन। चलो, चलो, चलो काम पे लग जा, काम पे लग जा। भाई पकोड़े खा लो, पकोड़े ऐसे ताजा ताजा पकोड़े आपको कहीं नहीं मिलेंगे। भाई साइकिल वाले पकोड़े खा ले। तो क्या कर रहे हो? अबे क्या कर रहा, तुझे पता नहीं खानदानी ट्रेनिंग का बेड़ा गर्क कर रही है तू? या मेरे बालिक इसे माफ कर देना, ये नाखल्फ बच्चा है, इसे खानदान की परंपरा का कुछ पता नहीं। मेरे बालिक, इसे माफ कर देना, बच्चा समझ के माफ कर देना। अच्छा तुम बेच के दिखाओ। पिकोड़े ले लो, पिकोड़े ले लो, गर्मा गर्म पिकोड़े। पिकोड़े, मेरा हाथ जल गया। बाबा तुम, यानी तुम देखना, दो लख में कॉर्नर प्लॉट होगा तुम्हारा। आगे आगे, अरे देखो मैं समोसे भी ले आई, और पता है दही भले और फ्रूट चाट भी तैयार है। वेरी गुड, बस अब जैसे तुझे कॉल करूँ ना, और भी चीजें ले आना, जा शाबाश। ठीक है, मैं जा रही हूँ, अगर कोई चीज खत्म हो जाए ना मुझे फौरन बता देना, इतनी ज्यादा सारी पड़ी है अंदर। अच्छा बात सुन, मैं तुझे मिस कॉल मारूंगा तो सामान ले आना, फोन उठा मत लेना। अब मैं जब भी इसको मिस कॉल मारता हूँ, फोन उठा लेती है। तो इसका नुकसान करने में लग गई, मैं रोज 20 रुपए का बैलेंस डलवाता हूँ इसके। क्यों बैल? इतनी फजूल खर्ची कर रहा ये करती है। मैं जा रही हूँ। अबे बात सुन, अबे थोड़ी देर रुकी रहती, हमारे स्टॉल पे रौनक लग जानी थी। अब्बा क्या बातें करो, अस्तगफुरुल्लाह बोलो, अस्तगफुरुल्लाह। खुद तो अम्मा को भगा के ले गए किसी शरीफ आदमी के घर से, और तब तुम चाह रहे हो पावत वाला मियां अंदर के पोल खोलेगा क्या? ऐसा बोल। या अल्लाह, कितने मेहमान बुलवाए हैं इन्होंने, 200 बंदों की इफ्तारी तो तैयार कर ली है मैंने। पीजे, इफ्तारी कम तो नहीं पड़ेगी? देख लें जी आप, इंसान ही आ रहे ना इफ्तारी पे, कुछ जिन तो नहीं आ रहे जो ये कम पड़ जाए। बस इतनी सी? ओ बस कर दे जी, आधे महीने का राशन मैंने तैयार कर दिया है। भी अमीरों में ऐसा ही होता है, कराची में तो रोज इतनी इफ्तारी बनाते हैं हम। दिल्ली, मेरा मतलब है रोज।
हाँ भैया ऑर्डर ही इतना होता है। ऑर्डर मेरा मतलब है कि वो रमजान में पहले से हम ऑर्डर दे देते हैं। वो रहने दे बीबी, मैं ले जाता हूँ, वहाँ पे तो मेहमान आए। अरे नहीं नहीं, तुम किचन में काम करो, टेबल्स मैं सजा लेती हूँ। थैंक यू। हाँ भाई मैं पैसे दे दो। लो भाई क्या याद करोगे, आधा समोसा ज्यादा डाल दिया हमने। हाँ भाई कितने? बहुत, 200 रुपए आ गए। अब ला दिखाइयो। अब कुल बताओ, कुल मिला के कितने हो गए? कुल मिला के हो गए 1, 2, 3, अब 3,200 हो गए। अब यहाँ का बिजनेस तो कराची से भी अच्छा चल रहा है, इसकी वजह क्या है यार? अबे देख नहीं रहा तू, जो भी आ रहा पहलवान ही आ रहा। अबे खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं ये। यह बात है यार, ये खाना पीना ऐसे हजम कैसे हो जाता है जल्दी लूंगा। अब इतने इतने बड़े मैदे हैं कि इतने इतने बड़े मैदे, अब 2.5-3 किलो की तो कढ़ाई खा जाते हैं 6 कुल्चों के साथ। पानी भी तो यहाँ पे इतना सारा मिलता है, कराची में तो पानी नहीं है। ऐसा करेंगे यहाँ से पानी बेच लेंगे ताकि गुलिस्तानी जोर वालों को दे दें, और यूं करके एक गिलास डाल के ना के ऑफिस चले जाते। अरे अम्मा ये देखो, पूरे 3,200 रुपए कमा लिए हमने। ये देखो देखो अपने नतीजे बाप को। कोई बात नहीं अम्मा, घूम फिर के तो हमारे पास ही आएगा ना, क्या लेके आई हो? अरे निकम्मो जल्दी से बेचो, कोई आ गया तो, किसी ने देख लिया तो। कोई आ ना जाए, क्या हम चर्च बेच रहे हैं? अरे अब्बा अम्मा का मतलब है घर वालों में से कोई ना आए, उन लोगों को हमने बताया कि हम लोग बहुत अमीर लोग हैं और यहाँ पे पकौड़े समोसे बेच रहे हैं। सही कह रहा तू, सही। अम्मा इतनी बिक्री हुई है, सारे पैसे आ रहे, लालच भी करो यार। अच्छा जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी से बेचो, निकल निकल निकल, ये तो देके जाओ। चलते 13, 21, 27, 37, 39, 49। अंजू जी माफ कर देना, पैसा भी क्या कर दिया मैंने। माफ कर दू तुझको? 1,000 बैठ के लगवानी है मैंने तुझसे, तेरी मजाल कैसे हुई कि लोगों के सामने तूने मुझसे जूते उतरवाए हैं? देखे वो तो मैंने इसलिए किया था कि आपका माजी के सामने ऑपरेशन ठीक हो जाए। मेरी बात जो है ना, कौन खोल के सुना तुम है? अगर भी माँ के ससुराल वालों के सामने ना मैं तेरी इज्जत कर रही हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरी इज्जत करती हूँ। और ये ना भूला कर तू कि हेर फेर के ना तूने इसी कमरे में वापस आना होता है। हाँ जी वो तो ठीक है, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप किसी भी तरीके से मुझे माफ कर दे बस। क्यों क्यों माफ करूँ तुझको? मैंने भी जाकर लाउंज में सजाना है। अच्छा लाउंज को सजाना है, चलो ठीक है फिर मैं माफ कर देती हूँ। पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, पहले जाके ना मेरे दर्जन रेशमी सूट जो है ना वो इस्त्री करो। चलो शाबाश। इस्त्री उधर है, तलाक लेगा ना एक दिन तो फिर खुश होना है। थैंक यू पेजे। थैंक यू तो आपका वेबो, आज आपने मेरा इतना साथ दिया। अच्छा अब मैं तैयार होने जा रहा हूँ, टेबल तो सेट है ना? हाँ हाँ तुम आराम से जाओ, अब तो सब सेट है। अब्बा अम्मा तो एक एक पाई गिन रही है यार, हम पे शक कर रही है क्या? अबे पहले कभी इतने नोट गिने नहीं ना इसने। ये तो है, अभी पूरी 8,000 हो गए। बस ठीक है, इतने पैसों में वो मशीन आ जाएगी, अभी मैं उसको फोन करता हूँ, मशीन वाले को घर पहुँचा जाएगा, फ्री होम डिलीवरी है ना। अबे पहले या सारे कारोबार तो गायब कर यहाँ से। चलो उठाओ मैं साथ। ठीक है अभी मान के पहले बेचो फिर उठा के भी ले जाओ। अबे बेच तो हमने दिए, उठाना इसका अबे रकम भी ले गई। भाई बात तो बताओ, मैंने देखा था तुमने थोड़े से पैसे चप्पल किए 200-300 रुपए। अब तू तो हर दफा मुझ पे इसी तरह शुभा करता है तू। नहीं अब्बा मैंने देखे, कसम कसम ले ले 150 है, 150 वाले। बहुत अच्छी लग रही है। और मेरी धी ने सजाई है तो चंगी क्यों नहीं लगेगी? अच्छा ये बता वो तेरा दादा कैसा लग रहा है? मेरे दादाजी तो बिल्कुल दूल्हा लग रहे हैं। शरारती, वो दादे से शरारतें करती है? नहीं दादाजी ईमान से,
अभी आप में जो है ना सिर्फ एक सहरे की और एक हार की कमी है। ओ, वो तो वो लोग लेके आते हैं पुत्र। मेरी शमसी पता नहीं कैसी लग रही होगी। क्या हुआ दादाजी? कुछ नहीं पुत्र, बड़ी मेहनत की है तुमने। ये बता कि कुछ खाना पीना है? नहीं दादाजी। दादी दादी आए क्या है? इधर हूँ दादी, इधर हूँ। चश्मा क्यों नहीं पहनती? ये पहने। अब इधर देखिए। सालगिरह दादाजी की है, आप क्यों इतना तैयार हुई है? अच्छी नहीं लग रही क्या? अरे बहुत प्यारी लग रही है। अरे जिनकी सालगिरह है, जिन्होंने मुझे कभी तैयार नहीं देखा, अरे क्या होगा, हार्ट अटैक ना हो जाए। मुझे भी यही लग रहा है, अभी तैयार देखा नहीं था तो ये हाल था, देख लेंगे तो क्या होगा। आई अफ्तार का टाइम तो नहीं होगा? नहीं नहीं अभी थोड़ी देर है। अच्छा आप बैठे, मैं तैयार होकर आती हूँ। सुन ना, ये का बता, ये कितनी बुरी लग रही है इस जोबन पे। उतार दे। आई फिर वो मुझे दिखेंगे कैसे? मुझे नहीं पता दादी, जो दिखे करे ना वो करे, व्हाटएवर। सालगिरह का तुम आया है लुकमान, हो गई सारी तैयारी? हाँ माँ जी बिल्कुल, मेरा आप फन तो देखे देखे, मैंने कैसा सोना सजाया इसको। हाँ। ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने दादाजी का बेड़ा इससे भी चंगा सजाया है। अंदर दा बच्चा नहीं मरदा, की लोड़ सी बेड़ा सजान दी भाई। लो जी मैं तो तैयार हूँ, इनको देर बाकी है। अब भाई ऐ की है, उतरा ही निकाल दिया, मैंने समझा मैंने शेरवानी नहीं पहनी हुई। की हो गया माँ जी, इतने चंगे तो लग रहे, चौधरी नीमा तैयार होकर आए हैं। चंगा ठीक है, मैं जरा तारी चेक कर रहा हूँ। दादाजी दादाजी देखिए मैंने कमरा कैसा सजा दिया। तो मैं सब समझता हूँ गंदिया, ये ले दादाजी। ओए चुप चुप, आओ भाई आओ, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक। ओए होए होए, मुबारक हो दादाजी। खैर मुबारक जी, मुबारक हो जी, खैर मुबारक मेरी जी। भाई बहुत अच्छा फूल लग रहा है तुम्हारी बूशट का। मम्मा वैसे दादी की नई मशीन आ गई है। पेजा, ओ पेजिया। जी माँ जी। तनु की मौत पे आ गई, अफ्तारी कहाँ है? वो इतनी सारी अफ्तारी तो बनाई थी जी मैंने। तो किधर गया, भूत खा गए? ओ माँ जी कसमें मैं सच कह रहा हूँ, मैं नहीं मान सकती। आप बेबो से पूछ लें। चंगा हुण मैं कार आए, मैं माना को ना पूछा, मर बाजार जा, केक ते समोसे ते पकोड़े लाके आए, चल। सब कुछ तो बनाया था मैंने, मैं मेरी गलती किधर है? अरे अड्डा थोड़ा टाइम रह गया मैंने उस पर। अम्मा जान आज तो बड़ा गजब ढा रही हो है, इतनी अच्छी तो कभी रणचौर लाइन में भी नहीं थी। हे अम्मा भाई क्या हो गया? कुरंगी ढाई में बना रखा हमने, 105 मंजिला डिपार्टमेंटल स्टोर है भाई, आओगे देखोगे। एक बार आओ तो। अबे बच्चे बड़ा उतावला हो रहा तू, अबे कंट्रोल कर थोड़ा तबीयत पे तू भी। नहीं मैं तो आपकी बातें सुन रहा हूँ। अच्छा तो हम कह रहे थे। ओ सरैया, ओ माफी पुत्र, माफी पुत्र। सरैया ओ आए नहीं? आ रहे होंगे, भेजा गया है। पैसे दिल खोल के खर्च करना, पैसों की फिक्र नहीं करना। अब भाई तुसी फिक्र ही ना करो, पैसे मैंने दे दिए। हैप्पी टू यू बर्थडे। ओ पेजे काजी नहीं आया? क्या काजी, आप इस सालगिरह का आके बस केक काटे। सालगिरह केक काटे? सालगिरह
प्यारा लग रहा ना। आए हाय सरैया आई जरा ये क्या बाजी में मान की हो रहा छोटी सालगिरह हो रही है भाई इस सालगिरह हो रही तो और की ओए मेरे अरमाना का फोन हो गया मेरे अरमान रेजा रेजा हो गए मैं सारे पकाने पार दूंगा अरे इनको क्या हुआ लगता है तैयारियां पसंद नहीं आई अरे क्यों नहीं पसंद आई बड़ी पसंद आई अब भाई आओ केक कटिए आज आज हौसला करे ये ले जा जाके कुआरा लेके आई इससे नहीं मैंने काट अच्छा अभी इसी से काट लेना काट जाए भाई केक इधर है इधर हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे मेरा प्यारा शाहरुख क्या हुआ उधर क्यों जा रहा है इधर पायला पायला कैसी हो ठीक क्या हुआ आज बहुत अच्छी लग रही थी तुम सिर्फ आज नहीं हमेशा अच्छी लगती हो थैंक यू वो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था क्या गिफ्ट मेरे लिए क्यों ऐसे ही बस दिल चाह कि तुम्हें कुछ दिया जाए खोल के देखो ना अच्छा लगेगा तुम खोलो ओके कैसा है बहुत अच्छा है थैंक यू वो ये भी लाया तुम्हारे शाहरुख और सलमान के लिए हाँ ये मेरे शाहरुख के लिए और ये मेरे सलमान रॉकस्टार के लिए शाहरुख ये अच्छा है ना तुम भी वैसे तुम ये घुंघरू जब शाहरुख और सलमान के पैरों में बांधोगी ना तो बहुत अच्छा लगेगा ये जब भी छन 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 करेंगे ना तुम्हें मेरी याद आएगी ओ देखो लड़का कराची का ते कुड़ी लाहौर दी अस्सलाम वालेकुम आपा सुरैया उठ गए हो जी गुड मॉर्निंग सुरैया ये तो ढेर लोग आके बैठी हुई हो मैंने सोचा जी आपने लाहौर की बहुत सुगाते खा ली हैं तो अब हसीन और जमील हाथों के लजीज हम लजीज करेला गोश्त खा के देखें ओ गॉड तुम खुद कुकिंग करोगी आहो जी आप मेरे हाथ का खाना चख के तो देखें उंगलियां चटनी नहीं आपने कट लेनी है ए, मुझे तो काठिया वाली चने याद आ रहे हैं कराची में इतने मजे के मिलते हैं कड़ी के साथ लो कड़ी खानी है आपने पहले क्यों नहीं बताया मैं आपके लिए कड़ी भी बना देती हूँ और कोफ्ते कराची में इतनी मजे की डिशेस मिलती है मुगलई स्टाइल की हाय फिक्र ही ना करे सब कुछ बना दूंगी मैं आपको क्या याद करेंगी आप लाहौर वालों ने कैसे कैसे खाने आपको खिलाए ऑल राइट पर कराची कराची है फिर कराची में खाने का
इतना इतमाम होता है, इतना इतमाम होता है, इतने सारे खाने होते हैं वहाँ पर। हाय नहीं आपस गया, सिर्फ कराची के लोग खाने के शौकीन नहीं है। आपने अभी लाहौर का खाना देखा है कहाँ है? व्हाटएवर, कराची में साबरी की निहारी, रेशमी कबाब, रस मलाई और लौंग छड़े इतने मजे के मिलते हैं कि समझो वर्ल्ड फेमस है। और जी लाहौर कौन से पीछे है? इधर किसी भी पाए हैं, हरीसा है, कुलचा, पूरी दुनिया में मशहूर है। होगा पर ईस्ट और वेस्ट, कराची इज द बेस्ट। होगा कराची बेस्ट, पर लाहौर का खाना खा के जाना, नहीं तो सारी उम्र पछताना। आहो ओके ओके ओके, देख लेंगे देख लेंगे, दिखा देंगे दिखा देंगे। वैसे भी जब एक हसीनो जमील कुड़ी खाना पकाती है ना, आहा उसमें जायका ही बड़ा होता है जी। हैं, ये किसने कहा? रीमा के मरहूमा भाई ने। अच्छा तो तुम मिन के लिए खाना नहीं बनाती थी? मैं अपनी बात कर रही हूँ, मेरे लिए तो कहा था उन्होंने। अच्छा ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। तुम बिजी हो ना, तो मैं जरा नमाज पढ़ के आती हूँ। आई वड्डी मिलानी, कराची वालों को तो शौक ही बड़ा होता है शोए मारने का। हाँ तुम कराची से आई हो ना, तो हम भी गुजरांवाले से आए हैं, हार नहीं माननी हमने। दादाजी 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 दादाजी, ये आप पी ले, आपने शाम से कुछ नहीं खाया हुआ। जब दिल ही टूट गया तो नीमा गुजर क्या खाएगा? तो जब दिल ही टूट गया तो नीमा गुजर क्या खाएगा? दादाजी ये खाना नहीं पीना है। ओए और क्या है ये? शरबत फुलाद। ओए नकम्मे दमाद और नकारा हकीम, अब इसका क्या फायदा? तू मेरे जख्मों पे नमक पाशी करने आया? नहीं 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 दादाजी, ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये मेरे भजन का बड़ा आजमाया हुआ नुस्खा है, इसको पीने के साथ आपके अंदर ताकत आएगी। ओए क्या बला इसमें डाली है? इसमें जी मैंने मनक्के के साथ अंजीर डाल के और चारों मगज डाल के पकाया हुआ इसको। आपको जो ये कमजोरी सी हो रही है ना, आपने जैसे इसको पीना, आपके अंदर ताकत ही नहीं है। हला वो सच कह रहा है? हाँ जी, इसमें शर्त है, इसको आप जैसे ही पियेंगे आपके अंदर इतनी ताकत आ जाएगी कि आप जैसे गामा पहलवान को नीचे गिरा देंगे। ओए दादाजी आप बगैर वैरनिंग के फायरिंग कर देते हैं। इतने बड़े पहलवान का नाम वो तेरे मुंह से अच्छा नहीं लगता। अल्लाह बख्शे, तौबा तौबा तौबा, गामा पहलवान, रुस्त में पाकिस्तान, रुस्त में हिंद। वो इतने बड़े पहलवान का नाम लिया है, मेरा जिस्म कमजोर हो गया है। इधर फड़ा गिलास, इसको बैठ के पीते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के और तीन सांसों में पीते हैं। अपनी नजर हटा। और रहने दे माँ जी, मैं बना दूंगा, इतने सारे लोगों का खाना आप कैसे बनाएंगी? मेरे पे छोड़ देना। चुप कर जा, रहन दे तू, कल तेरे पे छोड़ा था ना, तूने तो वो किया, तेरे पे कुत्ते छोड़ने का दिल कर रहा है। वैसे माँ जी बताया तो सही, किया क्या था इसने? ओ ना ही पूछे जी, आप प्याज बोल दे, मैं आपके लिए काट देता हूँ। हाँ ले बारीक बारीक काट दे, आई मेरा आईलाइनर ही ना खराब हो जाए। माँ जी आपने रोजे में आईलाइनर लगाया हुआ है? हाँ तो आईलाइनर लगाने से रोजा नहीं टूटता? रोजा टूटता खामत की मार लगाने से। उपवास बंद कर तू, चुप कर जा तू, नहीं तो मैंने तुझे मार लगा देनी है। हाँ आज देखना तुम लोग, उनको पता लग जाना सुरैया के हाथ का स्वाद। आहो छा दो बार दर भाई, इधर इधर आज अच्छा भी पैसों का हिसाब किताब हम लोग कर लेते भाटल। अच्छा रही काली घटा, जिया मोरा घबराए। हाय सत्यानाश, एक तो ये लोग अपनी गाय खुली छोड़ देते हैं, सत्यानाश हो इनका। दादी हेलो, दादी मैं इधर 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 इधर। हाँ दादी चश्मा पहने, आप चश्मा पहने। हाँ दादी देखे, ये गाय नहीं है, ये मशीन है दादाजी की। मशीन से चलते हैं। अरे नहीं दादी, वो मशीन से नहीं चलते, ये उनकी एक्सरसाइज के लिए मशीन लेके आए। सालगिरह थी ना उनकी, तो हमने सोचा उनको एक्सरसाइज मशीन गिफ्ट कर दे। हाँ, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, तो उनको बुला के लाओ ना, वो खुश हो जाएंगे देख के। हाँ मैं अभी बुला के लाऊं। सुनरी कोयलिया बावरी, तू क्यों मल्हार गाए रे? कितने प्यारे लग रहे मेरे शाहरुख के घुंघरू। शाहरुख मुझे ख्याल के लिए खुश हो रहा है मेरा बच्चा, खुश हो रहा है। शाहरुख ये कराची वालों की पसंद बहुत अच्छी नहीं है, डॉक्टर दीक्षित करते हैं लेकिन। और ये नबील बहुत बुरा है, इतना भी बुरा नहीं है।
खाने की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मेरा रोजा मकरूह हो रहा है ना। हाय वेखना मेरी किन्नी इतनी सोहनिया ने अज अफतारी ते। माँ जी वैसे ना मुंह से अब मलाई उतार ले, इसकी खुशबू से ना मुझे गुजरांवाला याद आ रहा है। है क्यों खुद को गुजर खानदान की साबित कर रही है? मैं तो ना ख्वाब में भी ना दही के कुंडे और वो जो दूध के कैन है ना वो नहीं देखती, कहीं जकैया तक फील ही ना आ जाए। माँ जी मेरे से कंट्रोल होता, सुबह सुबह ना मेरा बड़ा दिल चाहता है गोबर की थापियां लगाने का। हाय गन्ना कर रही है तो फिर अपने मुंह से मलाई उतारो, इसकी खुशबू सूंघ के ना मुझे जीप जीप से ख्याल आ रहे। अच्छा बस थोड़ी देर ठहर जा। आए मेरी स्किन बड़ी सेंसेटिव है, आज बड़ा काम किया है मैंने किचन में। सेंसेटिव होता है माँ जी। देखो जी मैं कहने आया था माँ जी, ये आपके मुंह पर मौत की सफेदी क्यों है? रख लाना था तेरी शक्ल पे बद शक्ल यार। एक तो इस कार में हर किसी को ना मेरी ब्यूटी से आग लगी रहती है, सो ही लेनी है मैं। इधर मार रिपोर्ट दे। अंजू जी मैंने सारे काम खत्म कर लिए। क्या क्या काम किया है? सारा घर साफ कर लिया है मैंने, बाथरूम साफ कर लिए हैं और उसके बाद मैंने आपके कपड़े भी इस्त्री कर दिए। और जूतों वाली अलमारी? ओए होए वो मैं भूल गया हूँ। इस्त्री करना मैं बिल्कुल नहीं भूलती हूँ, करूँ शुरू? चल बता रात को क्या खाना है खाने में? चेंज के तौर पर ना जूतों के अलावा कुछ भी। हाय मैंने सोचा मुँह धोया तो थोड़ा मेकअप भी कर लूँ। ये थोड़ा है माँ जी? हाँ जल्दी में इतना ही हो सकता था ना। फोन किसका बज रहा है? वड्डे ताऊ जी का फोन है। है हाय ताऊ जी ने क्यों फोन किया अंजुमन? मुझे क्या पता माँ जी उठाएगा तो पता चलेगा। ये क्या बला है? अब आपको बला लगने लगी मैं? कभी तो बला की खूबसूरत लगते थे। न न न न न न न मैंने आपको बला नहीं कहा, अल्लाह माफ करे। अगर आप बला भी होती ना तो मुझे आप खूबसूरत की बजाय खूबसूरत लगती। अरे दादाजी आप यहाँ पर हैं यार, मैं पूरे घर में आपको ढूंढ रहा हूँ। मैं तो इधर आया पुत्र। ओ पुत्र ये क्या चीज है? दादाजी ये मशीन है, एक्सरसाइज मशीन, इससे आपकी बॉडी बन जाएगी। बॉडी बनती है पुत्र? बॉडी तो मैंने सुना है कि गाड़ियों की फैक्ट्री में बनती है। सेक्रेटरी नहीं दादी, फैक्ट्री। फैक्ट्री कहते हैं दादाजी। दादाजी ये मशीन जो है ना आपकी ऐसी बॉडी बना देगी कि बस दुनिया दिखती रह जाएगी। वो तो ठीक है पुत्र, पर इसे चलाते कैसे हैं? जैसे गोती रेड़ी चलाते हैं। अरे नहीं दादाजी मैं आपको समझाता हूँ। ये नीचे क्या, अब ये ना रोड बन जाएगा दादाजी और फिर इसके ऊपर आप भागेंगे। तो पुत्र मैं रोड पे दौड़ूंगा तो इस मशीन से आगे नहीं निकल जाऊंगा? अरे नहीं दादाजी ये जो है ना इसको पकड़ के भागेंगे ना तो आपकी ऐसी जबरदस्त जान बनेगी कि बस देखते ले जाएंगे। जान की फिक्र ना कर पुत्र, अभी मैंने शरबत फौलाद का वड्डा डोंगा पिया है। जी, आपको मशीन कैसी लगी? अजी बहुत खूबसूरत है मशीन, बहुत प्यारी सोनी। दादाजी ये देखे दादाजी, ये एक बटन को दबाएंगे तो आप वॉकिंग करेंगे, इसको दबाएंगे तो जॉगिंग करेंगे और इसको दबाएंगे तो आप रनिंग करेंगे, नहीं भाग सकते हैं लेकिन अकेले। चलो ठीक है पुत्र, ये उठा के तो मेरे कमरे में रखाओ। बहुत अच्छे दादाजी, शरबत फौलाद आपने भी उठाऊं मैं, अब आप दिखाए ना अपनी ताकत, एक हाथ से इसको उठा के अपने कमरे में रख दे। ओए नींद में गुजर को चैलेंज, अभी उठा के दिखाता हूँ। अच्छा